प्रणाम पाय लागो और भोजपुरी में रौरा लोग कर गोर लगाता नहीं तलिया बजाओ तानी। ये हुई बात, क्या बात है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आया पीछे आपका शुभ नाम खुशी, माँ कसम आपसे मिलके खुशी का ठिकाना ना रहा। थोड़ा सा इधर आइए, माना कि मैं गरीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए। इतना अच्छा बोलती है। सबसे पहले आइए सर, कैसे? अच्छा ये तो फोटो लेंगे अच्छे से। हाँ एक ले लो, एक ले लो और अच्छे से। यह क्या बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा ये खूबसूरत सी हिंदुस्तान की महफिल मनोरंजन, आज का जो खूबसूरत सा टाइटल है, आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलन की हम कद्र करते हैं क्योंकि कवि हैं इसमें, लेकिन आज उसमें मिक्स मसाला है और वो है लाफ्टर चैलेंज के टीवी के स्टार भी हैं, जन स्टार्स को देखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैठे हैं बिल्कुल खाली खाली, तो भाभी जी प्लीज पहले महिलाओं की तरफ से जोरदार ताली। क्या बात है। अब इधर लेफ्ट साइड से जोरदार तालियां। अब बताइए अगर ये जोरदार ताली है तो फिर खाली वाला क्या होगा। एक बार पूरी महफिल जरा जोरदार तालियां। क्या बात है कि फिर उम्मीदों की रात आई है। बोलो वावा वावा। क्या वावा बोलती है कि फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है, आपकी चाहत का ये असर देखो, हम कलाकारों को मुंबई से डाल्टनगंज खींच लाई है। इस बार आपने जोरदार तालियां बजाई है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि आप मेरे बारे में बता चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा नाम है अशोक मिश्रा। काफी लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा, अक्षय कुमार के साथ लाफ्टर चैलेंज में था, गोविंदा के साथ फिल्म वाह तेरा क्या कहना में। और ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आज के जमाने में खुद की तारीफ आप नहीं करेंगे तो आपके बीवी बच्चे भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। नहीं करना पड़ता है सर, करना मतलब आपको ताली इसलिए बजानी चाहिए कि कपिल शर्मा से बड़ा कॉमेडियन आपके सामने है। बड़ा क्यों? नहीं पंडित जी मैं घमंडी नहीं हूं, बड़ा मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, उसकी हाइट कम है, मेरे कंधे तक है। भाई हिट कौन है जिसे चार लोग जानते हैं? माँ कसम मुझे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता चारों जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बच्ची के बारे में क्या कहूं, ये तो खुशी नाम है इनका, माँ कसम नाम है खुशी। यहां तो थोड़ा मुस्कुराइए मेरे जोक पे, अदरवाइज दिन भर ऐसे। और खुशी क्या हाल है? बस बाकी ठीक है। आज मेरे पापा नाराज हो गए तो बोले घर से बाहर निकल। तो मेरा नाम खुशी है, मैं घर से बाहर निकली, अब दुनिया बोल रही है कि ये देखो खुशी का ठिकाना ना रहा। बहुत क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो। अच्छा सबसे पहले सर मैं बताऊं, आप सभी सम्माननीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं, हम छोटे से कलाकार होते हैं, आप जैसे दर्शक दीर्घा, आप जैसे प्यारे लोग हमारे लिए भगवान होते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तब जाके हम कलाकार बनते हैं, तो आपकी ताली आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तालियां बजाते रहेगा, महफिल बड़ी खूबसूरत होगी मनोरंजन की, ये मेरा दावा है और वादा भी है। हम कभी ओवर नहीं होते हैं कि नहीं यार हम तो हंगामा करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसे पूरा आप करते हैं। तो मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर ताली बजवानी है तो कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो सर अभी भी देखिए हाथ बांध के बैठे हैं। सर खोल दीजिए सर इस बॉडी पे ये हाथ। हाँ ये देखिए जी, बड़ी क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो। सर एक बार आप लोग वाह वाह बोल दीजिए। अरे ये मेरे घर की भी बच्ची है, अरे तो यहाँ कॉमेडी का अभी एज एन एक्टर है कि बड़ी क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, मेरे दिल को बहुत भाती हो, जी करता है आज तुम्हें क्राउन प्लाजा में खाना खिलाऊं, लेकिन खिलाऊंगा नहीं क्योंकि सुना है तुम बहुत खाती हो, यहीं खड़ी रहोगी या जाती हो, ये बताओ कि जोक बोलती है या गाती हो, नाम खुशी है स्वाती हो, दिन है राती हो, है इतना सब कर दिए बवाल, ये पहन के खड़ी है यहां लाल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स। हाथ मिलाइए, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं हाथ मांग नहीं रहा हूँ जी। नहीं सर देखिए करना पड़ता है सर, बुरा मत मानना सर, आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हैं सर, ये हिंदुस्तान की है। अच्छा मैं आ रहा था सर तो मोदी जी का फोन आया, उन्होंने मुझे जो कहा बोल दूं आपसे पक्का, तो एक बार ताली हो जाए। साउंड दादा खोल देना, दिल खोल के।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज हिंदुस्तान का मुखिया होने के नाते, हिंदुस्तान का चौकीदार होने के नाते दुनिया कहती है। अच्छा हाईलाइट आई सर, हमारे रिस्पेक्टेड सर आए, थैंक यू सो मच सर। सर का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मैम भी आई, थैंक यू सो मच। प्लीज सर बता रही है, बहुत बहुत स्वागत सर। इस शाम को ऐसे ही खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा मोदी जी ने वो बैठ जाएंगे सर, बैठ जाएंगे। मेरी तरफ भी एक नजर, कहां उधर ही, मुझे पता है सर ऑफिसर है हर कोई। अरे बैठ जाएंगे सर, हमारे सर। तो मोदी जी ने हवाई सफर इतना किया, माँ कसम गौर से उनकी आवाज सुनिए, उसमें जहाज का इफेक्ट आता है, देखिएगा कैसे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान का सेवक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बैठे बिल्कुल खाली खाली, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार के लिए जोरदार, बहुत अच्छा। अच्छा हिंदुस्तान एक कितना अच्छा, देखिए हिंदुस्तान पेपर नंबर वन क्यों है, क्योंकि बहुत पहले एक लाइन लिखी गई कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हालांकि इसके आगे मैंने जोड़ा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई खा गया कोयला, कोई खा गया चारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। 48 साल का राहुल गांधी आज भी कुंवारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। केजरीवाल के गाल पे किसने चाटा मारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये है, थैंक यू। बाकी इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से सुन रहे हैं। हम यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं, मेहनतकश इंसान हैं। अब झारखंड के ही रांची के एक दोस्त है मेरे, मुंबई में आम बेचते हैं सीजन में ठेले पे, देखिए किस अंदाज में। ले लंगड़ाया 20 रुपया किलो लंगड़ाया, ए भौजाई लंगड़ाया, भौजाई भी आई, ए भाई यार, बाप रे बाप, भाई आम देख रहे, ए भैया तो आपके कैसे मालूम पड़ता है कि ये आम लंगड़ा है। अरे भौजाई, अगर ये ससुरा आम लंगड़ा नहीं होता तो इसको ठेले पे बैठा के क्यों घुमाते। दुनिया के समझदार है, मैंने कहा चाचा प्यार और इश्क में क्या फर्क है। अशोक बाबू धंधे का टाइम है लेकिन तुम पूछ रहे हो तो बता रहा हूं, प्यार वो है जो हम अपनी बहन से करते हैं, और चाचा इश्क, इश्क वो है जो दूसरे की बहन से करते हैं। ऐसे मेरे चाचा, ये है अपना हिंदुस्तान। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं और बड़ा मजा आता है। बाकी जिंदगी में बस एक लाइन क्या कि मैं अपने दूसरे कलाकार को बुलाऊंगा, सिर्फ आपसे बता दो सर, जिंदगी में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो किसी ना किसी गंजे भाई को अपना साथी बनाइए। अगर गंजे भाई आपके साथ होंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, नेहरू जी के साथ आदरणीय गांधी जी, मोदी जी के साथ अमित शाह जी, केजरीवाल के साथ सिसोदिया, ये तीनों हैं। और देखिए तीनों सक्सेस हैं। तो इसलिए एक न एक कोई ना कोई गंजा भाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसे मेरे गंजे भाई हैं, मैंने कहा भाई और क्या हालचाल, बस अशोक भाई बढ़िया। मैंने कहा आप इतने साल से यहाँ पे हो, घर लिया कि नहीं? नहीं अशोक भाई अभी घर नहीं लिया। मैंने क्या अभी सीधा प्लॉट लिया है, अब इसी पे बंगला बनेगा। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है। और उनकी शादी, मैंने कहा अगर मर्दों की मांग में सिंदूर भरते तो क्या होता। तो उसपे मैंने कहा था कि मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर कि मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। मैंने कहा अगर मर्दों के मांग में सिंदूर भरे जाते तो दुनिया के सारे गंजे कंवारे रह जाते। अब एक बच्चा, मैंने पूछा बेटा तुम्हारे पापा गंजे कैसे हो गए, तो वो फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गाना गा के बता रहा है कि मेरे पापा टकले कैसे हुए। देखिएगा वो गाना याद करिएगा।
मम्मी हमारी हो। अंकल सुनिए, मम्मी हमारी कहे बात ये रोते रोते, चिंटू तेरे पापा गंजे हो गए, शैम्पू से बाल धोते धोते। इतना ही नहीं है, हो गए गंजे, हो गए गंजे आ, हो गए गंजे आ।